नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष सिंह अरोड़ा। आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं, जिसके अंदर आज तक मैंने आपको जो जानकारी दी है केवल मैंने आपको ईडा की रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल की दी है, बट आज मैं आपको देने वाला हूं जो अपना एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, फार्म हाउस हैं, उसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। और बहुत अच्छी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। आप एग्रीकल्चर लैंड जो कि अभी येडा ने एक्वायर्ड नहीं किए हैं और येडा के एक्वायर्ड से बहुत दूर हैं, जो कि कभी एक्वायर्ड होंगे भी नहीं, उसके अंदर आप स्कूल्स वगैरह बना सकते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी उसके अंदर कर सकते हैं। और फार्म हाउस उसकी वीडियो आपको इससे पहले मेरी मिल चुकी होगी, तो आप फार्म हाउस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर में मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ भी लेना चाहें मैं आपको देना चाहूंगा और आपको इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट कराऊंगा कि आपको ये लगेगा कि हाँ, आज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट बेनिफिट वाला है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप अगर करना चाहते हैं तो आप एग्रीकल्चर जो येडा में एक्वायरमेंट में नहीं आएंगे, जो एक्वायर्ड नहीं होंगे वो, और प्लस आपको हरियाणा में बिल्कुल एकदम फिल्म सिटी के सामने फार्म हाउस वो दे सकता हूं, और किसी को लैंड लेनी हो तो वहां पर मेरे पास 20 बीघे लैंड भी है जिसमें वो अपने फार्म हाउस बना भी सकते हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है, वो लोकेशन जब भी आप देखना चाहें आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई भी कमेंट कर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और आपको मैं बताऊं, जो इन्वेस्टमेंट ये बता रहा हूं ये बहुत आने वाले टाइम में बेनिफिट वाली है, क्योंकि आज के टाइम में आप ये मान के चलें कि अभी जो है एयरपोर्ट अप्रैल में शुरू होगा, उससे पहले अगर आपने यहाँ लैंड ले ली तो ये मान के चलें कि जैसे ही एयरपोर्ट स्टार्ट होगा उसके बाद में आपकी लैंड की वैल्यू दुगनी हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक नया रोड भी निकल रहा है जो अभी प्रपोज हुआ है 130 स्क्वायर मीटर का, जो कि बिल्कुल फार्म हाउस के बिल्कुल 1 किलोमीटर नियरेस्ट से निकल रहा है, और जो एग्रीकल्चर लैंड में आपको बता रहा हूं उनसे टच होता हुआ निकल रहा है, और जो एग्रीकल्चर लैंड में आपको बोल रहा हूं वो आपको बिल्कुल ऑन द वे, ऑन द रोड मिलेंगी, कोई अंदर किसी गांव में नहीं है, किसी विलेज में नहीं है, बिल्कुल ऑन द वे मिलेंगी, और बहुत अच्छा आपका इन्वेस्टमेंट है, गांव के साथ लगी मिलेंगी। और इसके अंदर में अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आप, टच एंड वुड वाली बात कर रहा हूं मैं, कि आप मेरे को यही कहोगे गॉड ब्लेस यू, आपने हमारी जो इन्वेस्टमेंट कराई है वो बहुत अच्छी रही और बहुत ही बेनिफिटफुल रही। अब फिल्म सिटी के बाद आती है बात के इंडस्ट्री कितनी दूर है। जहां पर ये बेस्ड लैंड है उससे इंडस्ट्री की जो दूरी है मात्र ही 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर में आप इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आप ये मान के चलिए कि सिर्फ मात्र ही 5 किलोमीटर दूर आपका एयरपोर्ट है, तो बिल्कुल आप नियरेस्ट एयरपोर्ट के पास है। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आप कल को कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स बना सकते हैं, गेस्ट हाउस बना सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, कल को इतने इवेंट चलेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये जो है एयरपोर्ट के पास है, तो ये बेनिफिट फुल होने वाला है। तो इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मैं आपको केवल यही कहूंगा कि आज की डेट में, क्योंकि मैं आज सारा सर्वे करके खुद आया हूं और मैं देख के आया हूं, ये कहीं से कहीं तक यमुना अथॉरिटी जो है अपना येडा के अंदर में कहीं से कहीं तक भी ये एक्वायर होने वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, तो इसीलिए मैं फेथफुल बोल रहा हूं, नहीं तो आज से इससे पहले मैंने कभी वीडियो बनाई नहीं, ना तो एग्रीकल्चर पे ना फार्म हाउस पे। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, और आप यकीन मानिए कि ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा कि आप ये मान के चलिए 5 साल भी आपने अगर ये रख लिया तो 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट का आज प्राइस दे रहे हैं उसका आपका 4 टाइम हो जाएगा। यानी कि आज आप अपना फार्म हाउस ले रहे हैं तो आप आज की डेट में ले रहे हैं 2.5 करोड़ के आसपास, और आप 5 साल बाद देखते हैं तो ये 10 करोड़ रुपए का है, क्योंकि इतना बढ़िया डेवलप होने वाला है। आप मेरे को कॉल कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपको साइट विजिट भी कराऊंगा, सब चीजें दिखाऊंगा भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो पर वो रियल है
और वो बिल्कुल फैक नहीं है। ना तो मैं फैक वीडियो बनाता, ना ही मैं कभी फैक बात करता। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक बार इस चीज को देखिए और इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका बेनिफिट 100% होगा। इसके बाद में आपको कभी भी कोई प्रॉपर्टीज चाहिए, जैसे कि आपको इंडस्ट्रियल चाहिए या आपको रेजिडेंशियल चाहिए या आपको जो है फार्मर्स जो 7% कोटा के हैं यमुना के अंदर वो चाहिए या आपको ग्रेटर नोएडा में 6% के चाहिए, तो उसके अंदर भी आपको मैं कोई भी प्रॉपर्टी आप बोलेंगे, इंडस्ट्रियल भी बोलेंगे वो भी, तो मैं आपको दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ऐसा कुछ नहीं, आपकी कोशिश में यही करूंगा 100% के डायरेक्ट जो है सेलर से ही आपकी मीटिंग कराऊं। बट ऐसा कुछ होता है कि आपकी चॉइस कुछ ऐसी होती है कि वो फाइनेंसर के पास मिलती है, वो एक अलग बात हो गई। नहीं तो कोशिश ये रहेगी कि आपकी सेलर से ही मीटिंग हो, आमने सामने जो चीज आप लें वो सेलर आपको दे और आप सेलर से ले। तो ये मेरा आपसे बिल्कुल वादा है, कोशिश मेरी पक्की रहती है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर में आपको कहीं भी अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो समझ में ना आए आपके, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर आपके लिए ही सेवा में बैठा हूं, देखिए आपका मैं अगर काम करूंगा तो दो पैसे मेरे भी बनेंगे, दो पैसे बनेंगे तो मैं भी आपका बेनिफिट चाहूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने दो पैसे चाहूंगा आपका बेनिफिट कराऊंगा नहीं। तो वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं, आपको एकदम रियल और एकदम बढ़िया वाली प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं वो मैं आपको दिलवाऊंगा। और आप एक बार ले लेंगे तो आप यही कहेंगे कि वाकई में मेरे को अच्छी प्रॉपर्टी मिली है, कभी भी मेरी तरफ से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और आप कभी मुझे ब्लेम नहीं कर सकेंगे, ये भी मेरी गारंटी है। आप हमेशा यही कहेंगे कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ही बेनिफिटफुल रही है, इसके लिए मेरी गारंटी है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मैंने आपको बताया जैसे कि एग्रीकल्चर में भी करें, 7% में भी, 6% में भी, और आप कोई भी प्रॉपर्टी बोलेंगे, आपको अगर विलेज में चाहिए आबादी के अंदर तो वो भी आपको मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो मैं यही कहूंगा, मेरा नंबर जो है नीचे आ रहा होगा इसी वीडियो में, तो आप कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कर सकते हैं और कोई कमेंट है तो मुझे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे कर सकते हैं। नमस्कार, नई वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और उसमें मैं आपको नई जानकारी दूंगा। नमस्कार।